गूगल प्ले स्टोर पर एक गेम है जिसका नाम है सेलमोन भोई। इस गेम को पैराटिस स्टूडियोज नाम की एक पूरे कंपनी ने बनाया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गेम का नाम, गेम का इंटरफेस एक्टर सलमान खान और उनके जीवन में हुए इन फेमस बातों पर आधारित है। गेम की स्टोरी लाइन के अनुसार इस गेम में लीड कैरेक्टर का नाम है सेलमोन भोई। इस गेम का डिस्क्रिप्शन कंपनी ने कुछ यूँ लिखा है, सेलमोन भाई धरती पर जीवन संहार के लिए निकले हैं। वो हर एक बूसलिम्स यानी विलन कैरेक्टर की जान ले लेंगे। बूसलिम्स ने उनसे उनकी ऐश छीन ली जब वो शराब के नशे में फुटपाथ पर सो रहे थे। हाँ, उन्होंने उसे बहुत मारा था, लेकिन प्यार आखिर प्यार होता है। कोई भी दो प्यार करने वालों को कोई कभी जुदा नहीं कर सकता, बच न भी नहीं। इन बूसलिम्स को मारना ही चाहिए। जब गेम की शुरुआत होती है तो कैरेक्टर पहले एस नाम की शराब पीता है, जिसके बाद रात में गाड़ी चलाता है। गेम के तीन स्टेटस हैं। गेम की शुरुआत इस डिस्क्लेमर के साथ होती है, गेम की प्रेजेंटेशन सिर्फ काल्पनिक है। पहला स्टेज ग्रीन लेवल, इसमें सेलमोन भोई कोई पार्क सी जगह पर हिरणों और एलियंस जो इंसान की तरह दिखते हैं इन पर गाड़ी चढ़ाकर मारता है। दूसरा स्टेज आइस लेवल है, इसमें सेलमोन भोई किसी बर्फीली जगह पर पोलार बियर जैसे करेक्टर को मारता है। तीसरा स्टेज डिजर्ट लेवल है, इस स्टेज में रेगिस्तान का सीन होता है जहां ऊँटों और बिच्छू को करेक्टर गाड़ी चढ़ाकर मारता है। अब यहां तक तो किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं रह गया होगा कि ये गेम सलमान के ब्लैक बग केस, ऐश्वर्या राय के साथ उनके विवाद की ओर सीधे संकेत देता है। कुछ वक्त से ये गेम यूथ के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जिसके चलते प्ले स्टोर पर गेम को 4.7 स्टार की रेटिंग भी मिल चुकी है और इसको 10,000 से ज़्यादा बार डाउनलोड भी किया जा चुका है। कुछ वक्त पहले सलमान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पैराटिस स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स गूगल LLC और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज करवाया। सलमान की लीगल टीम ने मांग की कि इस गेम को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। सलमान की लीगल टीम ने कहा कि सेलमोन भोई एक्टर सलमान खान का फैंस के बीच मशहूर सलमान भाई की नकल है। गेम में दिखाए गए दृश्य भी इनडायरेक्ट वे में सलमान खान पर चल रहे मुकदमों पर बेस्ड हैं। टीम ने कहा कि ये गेम सलमान खान की छवि को धूमिल कर रहा है। डेवलपर्स ने इस गेम के लिए कभी भी सलमान से अनुमति नहीं ली है। साफ जाहिर है कि गेमिंग कंपनी ने ये गेम सिर्फ अपने आर्थिक फायदे के लिए ही बनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान भाई गेम पर टेम्परेरी तौर पर रोक लगाई है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि गेम का नाम और कई मैकेनिकल फीचर्स एक्टर सलमान खान से मिलते हैं, लिहाजा कोर्ट ने अपने दिए हुए ऑर्डर में कहा कि वादी ने इस गेम को बनाने और इंस्टॉल करने और चलाने की अनुमति नहीं दी है। गेम की पहचान और उनसे खिलाफ मुकदमों से जुड़ी हुई है। ये सीधे सीधे उनके राइट टू प्राइवेसी का हनन है। जज KM जायसवाल ने गेम की कंपनी पैराटिस स्टूडियोज को गेम को लॉन्च करने, रीलॉन्च करने, रिक्रिएट करने और सलमान खान से जुड़े किसी और कंटेंट को बनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी डायरेक्टर्स को चिताया है कि सलमान के बारे में कोई भी अपमानजनक बयान ना दें और कोर्ट ने कंपनी को सख्त आदेश दिए हैं कि वो इस गेम को गूगल प्ले स्टोर समेत अन्य जगहों से हटा लें। फिलहाल ये गेम अब गूगल प्ले स्टोर पर हटा लिया गया है।